अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किचन विद सोनिया। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। उसके लिए हमें चाहिए बीफ, मैंने 1 किलो लिया है, शलजम मैंने 1.5 किलो लिए है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च है, टमाटर, प्याज। मसालों में हम लेंगे हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर और पानी। सबसे पहले हम प्रेशर लेंगे, उसमें हम बीफ शामिल कर देंगे। बीफ का गोश्त मैंने 1 किलो लिया था। इसके बाद प्याज है, प्याज मैंने 4 लिए थे, इसको बारीक कटिंग कर लिए। टमाटर मैंने 5 लिए थे, इसको बारीक कटिंग कर लिए, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हम इसमें शामिल करेंगे। पांच से छह अदद हरी मिर्च है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम हल्दी लेंगे। अब इसमें लेंगे पानी, मैंने 1/2 जग लिए है, और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लैशर को हम बंद करेंगे और 20 मिनट के लिए फ्लैशर को लगा देंगे। जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह गल रहा है, तब तक हम अपने शलजम है उसको भी अच्छी तरह उबाई कर लेंगे। मैंने 1 जग इसमें पानी शामिल किया। आप इतना पानी डालिएगा कि शलजम अच्छी तरह इसमें डिप हो जाए, ताकि अच्छी तरह गल भी जाए। 25 से 30 मिनट में हमारे शलजम अच्छी तरह गल जाएंगे। हमारे 20 मिनट में अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। शलजम हमारे अच्छी तरह मैश हो गए। अब इसको हम साइड पर करेंगे और अपने बीफ देखेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह भुनाई कर सके। गोश्त को हमने कढ़ाई में निकाल लिया। अब इसमें हम 1 प्याली कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अब 10 मिनट के लिए हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें हम शलजम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मज़ीद 10 मिनट के लिए हम शलजम को भी अच्छी तरह इसमें भूनेंगे। शलजम में जो पानी था वो अच्छी तरह खुश्क हो रहा है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून शुगर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। शलजम हमारे पक गए। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम धनिया शामिल कर देंगे। अब 3 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। शलजम हमारे तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। शलजम गोश्त का सालन हमारा तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।